हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मास्टर मिनी टेक। और गाइस, मेरे पास ये सरप्राइज सरप्राइज नहीं, मतलब आपको पता ही रहेगा, टाइटल देखे पड़ गए रहेंगे। देखो, डब्बा आ गया फोन का। ये है एसूस का 6Z। मैंने बेस वेरियंट लिया है और अगर आपको बहुत अच्छा वाला वेरियंट चाहिए तो 1 जुलाई से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल तो बेस वेरियंट है इंडियन यूनिट से यार। इसको भी हम अनबॉक्स करने वाले और देखने वाले कि हमें इंडिया में कुछ मिलता है कि नहीं, मतलब क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर, बॉक्स कंटेन क्या है। और दूसरी चीज, मैं पहला हूँ तो शायद कुछ मुझे ऐसा गिफ्ट विफ्ट भी शायद मिल जाए। तो चलो खोलते, देखो सामग्री इधर है, चाकू ऐसा, चलो आ जा। तो भाई चलो, ये रहा हमारे पास फोन और ये रहा फ्लिपकार्ट का डब्बा। ब्रांड न्यू भाई, खरीदा हुआ फोन है, ठीक है, पहला सेल का फोन है। तो पहले चाकू से इसको आराम से शाबाश। तो भाई देखो, काट तो दिया, अब इसको थोड़ा सा चीड़ फाड़ करते, ठीक है। तो ये रहा फोन, बढ़िया है, नया फोन की खुशबू ही कुछ और आती है, ये बात तो आप भी मानते रहेंगे। तो ये रहा, देखो भाई बिल के सामने है, एग्जैक्ट बिल, ठीक है। बिल को थोड़ा बाजू में रखते हैं और ये रहा, जरा खोलते हैं प्यार से। ए रोहन, ये बेकार चीज़ है, ये काम की है। तो भाई ये रहा Z9, अबे उल्टा पकड़ा लगता है, सॉरी, हाँ 6Z। तो भाई बहुत दिखने में तो बढ़िया है, आप लोग चाहो तो काट सकते हो, मेन कोर्स में भी आ सकते हो, सामग्री की जरूरत नहीं है। मैं इसको बहुत प्यार से काट रहा हूँ, ठीक है। पहली बार अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं किसी फ़ोन का, पहली बार तो मेरे चैनल पे, तो ये काफ़ी माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं प्रॉपरली अनबॉक्सिंग किया कैसे जाता है, ठीक है। तो ये रहा फ़ोन 6Z, खरीदा हुआ है। तो गाइस, मैं दूसरों की तरह ऐसा लेके फ़ोन को फेंक फेंक नहीं दूंगा, प्यार से यूज़ करूंगा। और ये काफ़ी ईजी है एक्चुअली इसको निकालना भी। भाई इन्होंने कुछ सील भी नहीं डाला, इधर उधर सील डालना चाहिए था। बॉक्स कंटेंट में कुछ स्पेसिफिकेशन आपको दिख जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला, इसमें DTS है, VTS है। तो ये रहा Z9, आई मीन 6Z। तो देखो, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल जाता है और आपको प्रीमियम वाला फील तो देगा भाई, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको फ्लिप कैमरा सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्लिप कैमरा। और कुत्ते लोग की आवाज़ थोड़े से इग्नोर करना, कुछ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आपको बहुत इश्यूज का पहले तो ये मिल जाएगा, फिर उसके बाद अगर आप एप्पल जैसा स्टिकर लगाना पसंद करोगे तो ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा बाजू में रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा फेंक देते हैं हम, ये सामग्री इसको भी फेंक देते हैं। तो बस यहाँ पर पहले बात, आपको ये हार्ड केस देखने मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इंडियन यूनिट के लिए, आपको एक ये केस देखने मिल जाएगा, कड़क है, मतलब हार्ड एक्चुअली। उसके बाद जो कंटेंट है भाई, वो है सबसे प्यारी चीज़, एसूस का कैमरा फ़ोन, मतलब ज़रा फ़ोन। और ये रहा फ़ोन, ओहो ओहो हो हो, चुम्मा, अब तो पप्पी भी ले लेंगे। पूरा क्लीन डिस्प्ले है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, काफ़ी क्लीन डिस्प्ले है। ऑल द फोन मुझे, मैंने जितना सोचा था कि ये बहुत ऐसा बड़ा दिखेगा हाथ, मतलब ऐसा डिस्प्ले तो इतना बड़ा तो ऐसा लग नहीं रहा है, काफ़ी डिसेंट लग रहा है। और हाँ, हैवी भी 190 ग्राम के आसपास जो है इसका। उसके बाद हमें देखने मिल जाते हैं एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज में हमें क्या मिलता है भाई, एक्सेसरीज में हमें मिलता है पहले तो चार्जर, और ये मेरे को खराब फ़ोन दिया रे, खराब दिया लगता तो। तो गाइस ये इस तरह से है, इसको इस तरह से जॉइंट होता है, जिन लोग इशू से उनको पता होगा। ये कुछ यहाँ पर थैली लगा हुआ है शायद, तो ये कुछ, अरे भाई कैसे लगा, एक सेकेंड, हाँ, तो थोड़ा सा पुश करके आप इसको इस तरह से सिंपली अटैच कर सकते हो। ये हो गया अटैच, ठीक है, ये हो गया आपका USB। और आपको साथ ही साथ मिलता है एसूस का हाईएस्ट हाई ईयरफोन। तो इसकी क्वालिटी मैं आपको रिव्यू करूंगा तब बताऊंगा, फिलहाल तो फिलहाल अनबॉक्सिंग पे चल रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ मिलता है, थोड़ा पैसा बचा एसूस ने इस बार, और ईयरबड्स भी दिए हैं कुछ हमें। तो पहले फ़ोन पे चलते हैं, पहले तो ये देख लेते कि इसमें एक केस कितना बेटर वे से फिट होता है। तो ये रहा फ़ोन और ये रहा केस, एंड यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ भी गया है, एंड काफ़ी ये है, अरे रुको रुको रुको, एक चीज़ तो मैंने किया ही नहीं, ओ, इसको खुलता कैसे भाई, खोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्या ना हार्ड केस है, थोड़ा डर लग रहा है और मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ, ये क्या है भाई। एक सेकेंड गाइस, भाई बहुत ही मुश्किल है, अगर आपने इसको डाल दिया तो इसको निकालना थोड़ा सा आपके लिए हार गिर जाएगा। तो इस बैटर की इसको आप सारा सेटअप वेटअप करके ये कर लो, मैं एक्चुअली इसको निकालने के लिए खोला था, ये मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा है। तो यार गाइस, ये रहा फ़ोन, में सुधर पहले बूट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमें क्या देखने मिलता है इस फ़ोन में। तो ये बूट हो रहा है भाई, बैटरी वैटरी कुछ बचा है कि नहीं, हाँ ठीक है। और यहाँ पर आपको ये देखो कुछ इस तरह से कीस मिल जाता है, तो पावर की जो है दिखने में तो बहुत ही औसम लगता है, ऐसा लगता है कुछ एक्चुअल में पावर की है, और स्पेसिफाई किया हुआ इस कलर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा एक स्पेशल बटन जिसको आप कस्टमाइज, मतलब कुछ भी किसी भी इससे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको कभी बाकी का इन डेप्थ रिव्यू कभी दूंगा, तो पहले यहाँ पर सेटअप वेटअप मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ़ोन बताता हूँ। तो यार देखो, इसका तो मैंने अनबॉक्सिंग किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैंने लाइफ में कभी ऐसा अनबॉक्सिंग किया नहीं है। कैसे ये फ़ोन दिखने में जितना आपको ऐसा, मुझे ऐसा फील हो रहा ना हाथ में,
ये फोन पता नहीं क्यों दिखने में बहुत ही मस्त है, और इसका जो कैमरा है ना यार वो तो पता नहीं क्यों अभी तो मैंने यूज नहीं किया। इसका ये एनिमेशन है जो शायद आपको किसी ने दिखाया नहीं होगा, देख सकते हो 6 वाला एनिमेशन इस तरह से आ रहा है, और शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन यार इसका जो कैमरा है ना वो इतना बेस्ट मतलब ऑप्टिमाइज लग रहा है ना मैं क्या बताऊं। मतलब अभी तक मैंने सोनी IMX586 सेंसर में सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज कैमरा मैंने देखा है यहाँ पर, एंड आई वॉज लाइक फैन। और मैं आपको जरा वो भी दिखा देता हूँ, क्यों बोलोगे क्यों दिखाया नहीं। तो ये रहा फ्रंट बैक कैमरा, देखो मुझे हाय हेलो हाय, और अभी मैं इसको कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा पे स्विच, तो ये आ गया हमारा टिकोना का मतलब ये छोटी, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस तरह से, एंड आप देख सकते हो काफ़ी मस्त है, और यहाँ पर एक कुछ ये लाइट्स भी जलता है, और या इस तरह से बैक से आपको फ्लिप कैमरा एंड ऑल लिखा आता है, एंड इसको कंट्रोल वंट्रोल करने का भी जो है वो उसको हम बाद में अभी देखेंगे, मैं रिव्यू पे अपने बताऊंगा। तो यार दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था फिलहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, और क्या आप ये फ़ोन लेने वाले हो, मेरी रिकमेंड रहेगी कि हाँ बिल्कुल लो। एक्चुअली ये फ़ोन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ही फर्स्ट इंप्रेशन में कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस कर दिया है, डिटेल में इसका बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो यार ये फ़ोन मुझे बहुत ही मस्त लगा। मिलता है अगले वीडियो, देख के ध्यान रखिएगा, बाय बाय। कैमरा रिव्यू ड्रेन टेस्ट स्पेशली 5000 mAh 190 ग्राम का मोबाइल ड्रेन टेस्ट जल्दी आने वाला है।